अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे प्रार्थना है, कृपया सोचें, आप डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी बाबू बनना चाहते हैं या अकाउंटेंट? आप टैली का अधूरा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं या उसके विद्वान बनना चाहते हैं? यदि आप अकाउंटेंट या विद्वान बनना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है, इस वीडियो सीरीज की सभी वीडियोस को एक एक करके क्रमानुसार ही देखें। वीडियोस को क्रमानुसार देखने के दो तरीके हैं। पहला है हमारी वेबसाइट द्वारा और दूसरा हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट द्वारा। टैली की इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में आप जानेंगे, टैली में लेजर बनाते समय सही ग्रुप का निर्णय चार्ट ऑफ अकाउंट्स की सहायता से कैसे करें। चार्ट ऑफ अकाउंट्स हमें टैली में लेजर बनाने और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने में सहायता करता है। यहाँ हम आपको सिर्फ इसे समझा रहे हैं, आगे आने वाली वीडियोस में इसका अच्छे से उपयोग करके बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता दें कि शुरुआत की हमारी बेसिक लेवल की जिन 10 वीडियोस में हमने आपको मैनुअल अकाउंटिंग के बारे में बताया था, उनमें दी गई पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो में काम आएगी। और यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उनको देख लें। मैनुअल अकाउंटिंग की प्रोसेस समझाने के दौरान हमने आपको जर्नल क्या है ये बताया था। मैनुअल अकाउंटिंग में जर्नल में सभी एंट्रीज एक ही स्थान पर एक के बाद एक कर दी जाती हैं, जबकि टैली ने जर्नल एंट्रीज करने के लिए अलग अलग टाइप के वाउचर्स बना दिए हैं। जैसे यदि आपने कोई माल बेचा है तो उसके लिए सेल्स वाउचर, यदि किसी को कोई भुगतान किया है तो उसके लिए पेमेंट वाउचर, इस तरह के कई वाउचर्स बनाए हैं जिन्हें हम आगे समझेंगे। इन वाउचर्स की सहायता से आप टैली में अपने ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मैनुअल अकाउंटिंग में जो काम जर्नल में होता है, टैली में वो काम वाउचर्स की सहायता से होता है। मैनुअल अकाउंटिंग की प्रोसेस में हमने ये भी देखा था कि जर्नल में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के बाद खाते बनाए जाते हैं और जर्नल में रिकॉर्ड किए गए ट्रांजैक्शंस की पोस्टिंग उन खातों में की जाती है, किंतु टैली में ऐसा नहीं होता है। इसमें पहले खाते यानी लेजर्स बनाए जाते हैं और फिर जैसे ही हम वाउचर में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, संबंधित लेजर में उसकी पोस्टिंग अपने आप हो जाती है। मैनुअल अकाउंटिंग की प्रोसेस के अंतर्गत ही हमने आपको ट्रायल बैलेंस बनाना बताया था और उसमें एक जैसे खातों को छांट कर किसी एक ग्रुप में रखना भी बताया था। टैली ने इस काम को भी आसान कर दिया है। अब हमें खातों को छांट कर किसी ग्रुप में नहीं रखना होता, बल्कि टैली ने पहले से ही हमें कई ग्रुप बनाकर दे दिए हैं। हमें सिर्फ उनके अंतर्गत खाते खोलना होते हैं। अब सवाल यह है कि हमें ये कैसे मालूम होगा कि कौन सा खाता किस ग्रुप में खोलना है। इसके लिए हमने आपको पहले की वीडियोस में बहुत सारी परिभाषाएं बताई हैं, उनके आधार पर आप ये निर्णय कर सकते हैं। और फिर भी यदि आपको दिक्कत आ रही है तो हमने एक चार्ट बनाया है जिसका शीर्षक है चार्ट ऑफ अकाउंट्स। आप इसकी सहायता ले सकते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट्स से आशय व्यवसाय में उपयोग होने वाले खातों की लिस्ट से है। जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले नेचर ऑफ अकाउंट है, उसके बाद ग्रुप और सब ग्रुप हैं, और आखिरी कॉलम में खातों के नाम या उनके विवरण हैं, जो इन ग्रुप या सब ग्रुप के अंतर्गत खोले जाने हैं। इसे हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। आपको असेट्स की परिभाषा याद होगी, उसमें हमने बताया था कि असेट्स दो प्रकार की हो सकती हैं, फिक्स्ड असेट्स और करंट असेट्स। अब यहाँ चार्ट में देखिए, ये दोनों दिखाई पड़ रहे हैं और साथ ही टैली ने असेट्स में कुछ ग्रुप और बना दिए हैं। अब जैसे ही राइट साइड में आगे बढ़ेंगे, देखिए टैली ने हमारी सुविधा के लिए करंट असेट्स के अंतर्गत भी कुछ सब ग्रुप्स बना दिए हैं। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि इन सब ग्रुप्स और ग्रुप्स के अंतर्गत किस प्रकार के या कौन से खाते आएंगे। इस चार्ट को आप इस तरह भी देख सकते हैं कि सबसे पहले आपकी आवश्यकता क्या है, वो नेम ऑफ अकाउंट्स विच इज कवर्ड अंडर दीज ग्रुप्स में देखें। तो आपको यह स्पष्ट होगा कि हमें किस टाइप के लेजर की जरूरत है। उसके बाद फिर
लेफ्ट साइड में पढ़ें और देखें कि ये लेजर किस ग्रुप या सब ग्रुप के अंतर्गत बनाना है। चलिए इसे अच्छे से समझने के लिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट आदि के खाते कैपिटल अकाउंट ग्रुप में बनेंगे। जिन भी व्यापारियों से आप उधार माल खरीदते हैं उन सभी के खाते सन्ड्री क्रेडिटर्स सब ग्रुप में बनेंगे। आपके जितने भी बैंकों में सेविंग या करंट अकाउंट होंगे वे सभी बैंक अकाउंट्स सब ग्रुप में बनेंगे। सभी स्थायी संपत्तियों जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर्स, मोबाइल इत्यादि के खाते फिक्स्ड असेट्स ग्रुप में बनेंगे। हमारे सभी सेल्स अकाउंट्स ग्रुप में बनेंगे। यहाँ आपको एक कंफ्यूजन हो रहा होगा कि खाते का नाम भी सेल्स अकाउंट और ग्रुप का नाम भी सेल्स अकाउंट्स, तो क्या ये सही है? जी हाँ, सही है। इसे समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारा बड़ा व्यापार है जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, फर्नीचर और क्लोथ्स रखते हैं और हम इन सभी का हिसाब अलग अलग देखना चाहते हैं, तो हमारे सेल्स अकाउंट के नाम इस तरह हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सेल्स अकाउंट, फर्नीचर सेल्स अकाउंट और क्लोथ्स सेल्स अकाउंट। पर ये सभी खाते सेल्स अकाउंट्स ग्रुप के अंतर्गत ही बनेंगे। हमारा व्यापार छोटा है इसलिए हम इस तरह के अलग अलग खाते ना खोलकर एक ही खाता सेल्स अकाउंट के नाम से बना रहे हैं जो कि सेल्स अकाउंट ग्रुप के अंतर्गत बनेगा। हमारा ये चार्ट बनाने का उद्देश्य मात्र आपको ये समझाने का प्रयास है कि किस टाइप के खाते किस ग्रुप या सब ग्रुप के अंदर खोले जाते हैं। इनमें आप अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी कर सकते हैं। अब यहां हमने टाइप ऑफ अकाउंट का कॉलम और जोड़ दिया है जिसमें हमने खातों के प्रकार बताए हैं। खाते यानी अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं ये हमने आपको मैनुअल अकाउंटिंग की प्रोसेस में समझाया था। इससे ये लाभ होगा कि आपको ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए ये समझने में आसानी होगी कि खाता किस प्रकार का है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल। खाते का प्रकार जानने के बाद आप आसानी से गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग जिसके बारे में हमने आपको मैनुअल अकाउंटिंग की प्रोसेस के अंतर्गत समझाया था उसका उपयोग करके आप ये निर्णय कर पाएंगे कि ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते समय कौन सा खाता डेबिट होगा और कौन सा खाता क्रेडिट होगा। इसे हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए व्यापार का स्वामी 10,000 रुपए नकद पूंजी लाया। अब सबसे पहला सवाल है कि हमें यह देखना है कि इस ट्रांजैक्शन में प्रभावित होने वाले दो खाते कौन से हैं। ट्रांजैक्शन को ध्यान से देखें, यहां नकदी आई है तो यह हुआ एक खाता। अब दूसरा खाता देखते हैं, नकदी कौन लाया है। व्यापार का स्वामी नकदी लाया है। जैसा कि हमने आपको कैपिटल की परिभाषा में बताया था कि जब कोई व्यक्ति अपने व्यापार में कोई संपत्ति या माल या नकदी लाता है तो यह उसकी पूंजी कहलाती है। तो यह हुआ हमारा दूसरा खाता। यानी इस ट्रांजैक्शन से प्रभावित होने वाले दो खाते हैं, नकदी यानी कैश और पूंजी यानी कैपिटल। अब दूसरा सवाल है कि ये खाते किस प्रकार के हैं। अब यहां चार्ट में देखिए, नकदी का खाता रियल अकाउंट है और पूंजी का खाता पर्सनल अकाउंट। अब तीसरा सवाल है कौन सा खाता डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट। तो ये यहां पर हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से देखें तो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत पूंजी आई यानी प्राप्त हुई तो हमें देने वाला हुआ कैपिटल अकाउंट। और गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के आधार पर इसका नियम है, देने वाले को क्रेडिट करो मतलब कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। अब हम देखते हैं दूसरा खाता जो रियल अकाउंट के अंतर्गत कैश का है, उस पर भी गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के क्या नियम है ये देख लेते हैं। इसके अनुसार जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो, क्योंकि कैश व्यापार में आया है इसलिए कैश अकाउंट डेबिट होगा। जब आप निर्णय कर चुके हों कि कौन सा खाता डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट, तो इसे कंफर्म करने का एक तरीका और भी है, वो भी हम आपको बता देते हैं। यहाँ हमने इंक्रीज और डिक्रीज के दो कॉलम्स और जोड़ दिए हैं। इसकी सहायता से भी आप ये जान सकते हैं कि खाते के नेचर के हिसाब से संबंधित खाते के अमाउंट के इंक्रीज या डिक्रीज होने की स्थिति में उस खाते को डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे।
हमने आपको समझाने के लिए जो उदाहरण बताया था उसमें व्यापार का स्वामी 10,000 रुपए नकद पूंजी लाया। इसमें हम देख रहे हैं कि हमारी बुक्स में पूंजी बढ़ेगी और नकदी आई है तो कैश भी बढ़ेगा। चलिए इंक्रीज या डिक्रीज कॉलम्स की सहायता से इसे समझ लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कैपिटल अकाउंट लायबिलिटीज के अंदर आता है और यदि कैपिटल आई है मतलब इंक्रीज हुई तो यहाँ कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। अब कैश को भी समझ लेते हैं। कैश अकाउंट एसेट्स के अंतर्गत आता है और कैश भी इंक्रीज हुआ है तो यहाँ कैश अकाउंट डेबिट होगा। इस तरह से हमने कंफर्म किया कि कौन सा खाता डेबिट होगा और कौन सा खाता क्रेडिट होगा। अब हम आपको बताते हैं कि टैली चार्ट ऑफ अकाउंट्स को कैसे देखता है। टैली ने अकाउंट्स के नेचर के आधार पर इसे 28 ग्रुप्स में बांटा है जिसमें 15 प्राइमरी यानी मुख्य ग्रुप्स हैं और 13 सब ग्रुप्स हैं। इन 15 प्राइमरी ग्रुप्स में से 9 ग्रुप्स बैलेंस शीट से संबंधित हैं तथा 6 ग्रुप्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से संबंधित हैं। प्राय सभी की जरूरत के लेजर्स इन ग्रुप या सब ग्रुप के अंतर्गत बन जाते हैं। फिर भी यदि आप चाहें तो अपनी जरूरत के अनुसार नए ग्रुप या सब ग्रुप बना सकते हैं और बने हुए ग्रुप या सब ग्रुप में परिवर्तन कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स की सहायता से टैली में लेजर कैसे बनाए जाते हैं, तो ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। चार्ट ऑफ अकाउंट्स का पीडीएफ हमने इस वीडियो के नीचे भी दिया है, आप चाहें तो उसे डाउनलोड कर सकते हैं।